हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के सेवन स्टेप्स हम देख चुके थे। आज जो हम स्टेप देख रहे हैं, एट स्टेप, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी स्टूडेंट्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने दूसरे स्टेप्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो जिसका स्मॉल पार्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, वो सेम चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ एडजेक्टिव आएगा, यहाँ नाउन गिवन है, यहाँ आर्टिकल गिवन है, और इस स्पेस में जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें आपको पता चला कि एडजेक्टिव आएगा, और अगर आपके पास में ये चार ऑप्शंस गिवन है और इनमें से एक ऑप्शन नाउन है, एक एडवर्ब है, एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ जाते हैं तो आप राइट आंसर पर चले जाते हैं जो एडजेक्टिव है। हो सकता है कि ये जो चार वर्ड्स आपको गिवन हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है तो आप राइट आंसर पे जा सकते हैं। क्लियर? इसको समझेंगे कैसे अप्लाई करना है। इस पैटर्न को यूज़ करके आप समटाइम्स तो तीन चार ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, और दो ऑप्शन तो आप ईजिली आप एलिमिनेट कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। देखिए कैसे करेंगे। ये आपका क्लोज टेस्ट सीजीएल 2013 का है, इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखो, अ यहाँ फोर्थ में फिलिंग द ब्लैंक है, इज नॉट। आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो है जनरली किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। आर्टिकल हम किसके लिए यूज करते हैं? नाउन के लिए। तो आर्टिकल आया है, देन फिलिंग द ब्लैंक है, उसके बाद में वर्ब है। इट मींस यहाँ पर जो भी आएगा, जो भी वर्ड आएगा, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर? अब हमें देखना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा नाउन है। सबसे पहले आता है बी फ्रेंड। पहली चीज़, ये नाउन होगा क्योंकि एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, क्योंकि इस यहाँ वे वर्ब है, तो इससे पहले वाला जो वर्ड, ये जो पार्ट है, ये सब्जेक्ट होगा और नाउन होगा। तो बी फ्रेंड जो है वो एक्चुअल में वर्ब है, तो वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, फिर आता है फ्रेंडली। फ्रेंडली जो है वो दिखने में एडवर्ब जैसा लग रहा है, क्योंकि हम जनरली जो भी सफिक्स जो है एलवाई पे एंड होते हैं उनको हम एडवर्ब मानते हैं, लेकिन फ्रेंडली एडवर्ब सफिक्स नहीं है, फ्रेंडली जो है वो एडजेक्टिव सफिक्स है। इसको अभी मैं डिटेल से समझाऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलवाई जो है, हम जनरली देखते हैं एलवाई क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन कुछ एलवाई सफिक्स जो हैं, वर्ड्स जो हैं, वो क्या है? एडजेक्टिव भी है, जैसे फ्रेंडली, कावर्डली, माइजरली, स्कॉलरली। इसको अभी मैं डिटेल से बताऊंगी। अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हमने ये ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, वर्ब है, डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, एडजेक्टिव है। बी और सी दोनों नाउन हैं। इन दोनों में से हमें एक चूज करना है। अब हम सेंटेंस पे फिर चलते हैं। अ इज नॉट टू गिव एन ऑनेस्ट एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग। सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि फ्रेंड जो है वो ऑनेस्ट बात करता है। फ्रेंडशिप ऑनेस्ट बात नहीं कर सकती, कौन बात करेगा? फ्रेंड। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पर्सन की बात हो रही है, और पर्सन के लिए हम फ्रेंडशिप नहीं लेंगे, पर्सन के लिए क्या आएगा? फ्रेंड। सो राइट आंसर इज फ्रेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? गॉट माई पॉइंट? यहाँ आर्टिकल ए गिवन था, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो नाउन आना चाहिए था। ए जो है बी फ्रेंड वर्ब है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, फ्रेंडशिप और फ्रेंड नाउन थे, लेकिन पर्सन की बात हो रही है इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? फ्रेंड यूज़ किया है। क्लियर? अब इसका एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि फ्रेंडली जो है एल वाई सफिक्स होते हुए भी क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मैंने आपको बताया, लोनली, लवली, कावर्डली, माइजरली, स्कॉलरली, होली, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एलवाई लेते हुए भी, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एलवाई सफिक्स लेने के बावजूद भी क्या है? क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, एरर में किस तरह से आएगा? ही लाफ्ड सिली। अगर सिली एडवर्ब है, अगर सिली एडवर्ब होती तो ये सेंटेंस सही था, क्योंकि ही सब्जेक्ट है।
ठीक है. लाफ क्या है? वर्ब है. एडवर्ब का काम होता है कि वो वर्ब की विशेषता बताए. ठीक है, तो ही लाफ्ड सिली सही होना चाहिए था. ये सही क्यों नहीं है? कि इसलिए सही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये सिली जो है, सिली एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर लाफ की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव काम में नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ही गेव मी अ सिली लाफ. तो यहाँ लाफ क्या हो गया? नाउन. सिली क्या हुआ? एडजेक्टिव. क्लियर? समझ में आया? सिली जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है. सिली एडवर्ब नहीं है, इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस गलत हो गया, ही लाफ्ड सिली, क्योंकि हमने यहाँ पर सिली को एज एडवर्ब काम में लिया है. एडवर्ब जो कि वर्ब की विशेषता बताती है, लेकिन चूंकि सिली क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए किसके लिए आएगा? नाउन के लिए आएगा. दूसरा एग्जाम्पल देखो, जेम्स स्माइल्ड फ्रेंडली. गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडली जो है, फ्रेंडली को कैसे काम में ले रखा है? एडवर्ब, जबकि फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव. इसको सही करेंगे तो क्या बनेगा? जेम्स गेव मी अ फ्रेंडली स्माइल. स्माइल इज नाउन एंड फ्रेंडली इज एडजेक्टिव. क्लियर है स्टूडेंट्स? गॉट माय पॉइंट? कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एलवाई सफिक्स आता है, लेकिन एलवाई सफिक्स होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं. ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. ठीक है, आगे. अब कुछ एडजेक्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे डेली, अर्ली, फोर्टनाइटली, लेजरली, मंथली, पुअरली, वीकली, ईयरली. ये जो हैं ये एलवाई है, लेकिन ये क्या है? दोनों है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है. यानी हम इनको दोनों तरीके से काम में ले सकते हैं, एडजेक्टिव के में भी और एडवर्ब में भी. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इट इज़ अ डेली न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर क्या है? नाउन. डेली क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव. ठीक है, द मशीन्स आर इंस्पेक्टेड ट्वाइस डेली. यहाँ पर डेली क्या है? एडवर्ब है. ठीक है, नेक्स्ट, द अर्ली मॉर्निंग. द अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग इज नाउन, अर्ली क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है, वी अराइव्ड अर्ली द नेक्स्ट डे. यहाँ पर अर्ली किसके लिए आया? अराइव के लिए. तो अराइव्ड की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब होता है. क्लियर? समझ में आया? ये क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रही हूँ मैं आपको? ये कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाह रही हूँ कि कुछ एडवर्ब्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एलवाई सफिक्स होने के बावजूद भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, जो एग्जांपल्स यहाँ हैं. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एलवाई सफिक्स होने के बावजूद भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं. इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसका. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे. फिफ्थ में देखो, अ फ्रेंड. यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक को हमने फिल कर दिया है. यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट? फ्रेंड. अ फ्रेंड इज नॉट, फिलिंग द ब्लैंक टू गिव एन ऑनेस्ट. अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अ फ्रेंड इज नॉट, यहाँ पर जो भी वर्ड आना चाहिए उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड की विशेषता बता रहा है कि फ्रेंड क्या नहीं होता है. क्लियर? तो फ्रेंड की विशेषता, फ्रेंड इज अ नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव. तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो? एडजेक्टिव हो. ठीक है, अब देखते हैं इसमें फिफ्थ में एक ही बात करें तो फियर जो है, फियर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन. फ्राइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन. फ्रेट का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. और अफ्रेड जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. क्लियर? हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है. सो राइट आंसर इज अफ्रेड. यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है एडजेक्टिव का, जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एडजेक्टिव जो है, ध्यान से समझेंगे, एडजेक्टिव को हम दो तरीके से काम में लेते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रीडिकेटिवली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो,
this is a beautiful house. This is a beautiful house. House is noun, beautiful is an adjective. यहाँ पर ये एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है. एडजेक्टिव हमेशा नाउन की ही विशेषता बताते हैं, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन के पहले आता है, ये किसके पहले आया है? नाउन के पहले. तो इस एडजेक्टिव को हम कैसे यूज कर रहे हैं? एट्रीब्यूटिवली. जब एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है और नाउन की विशेषता वो नाउन के पहले आकर बताता है, पहले यूज किया जाता है, तो कैसे यूज होता है? एट्रीब्यूटिवली. और जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और वो नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल कहाँ आया है? बाद में आया है. यहाँ ये जो ब्यूटीफुल है वो कैसे यूज हुआ है स्टूडेंट्स? प्रिडिकेटिवली. क्लियर, समझ में आया? दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, हाउस नाउन है, पहले आया एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल कैसे काम में आया? एट्रीब्यूटिवली. दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, बात किसकी हो रही है? हाउस की, लेकिन हाउस के बाद में आ रहा है, तो कैसे यूज होगा? प्रिडिकेटिवली. क्लियर. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एट्रीब्यूटिवली आए, प्रिडिकेटिवली आए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा. मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी, वहाँ पर भी डिटेल से समझाया है, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चंस भी आए हैं यहाँ से. ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ही प्रिडिकेटिवली काम में ले सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली काम में नहीं ले सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल इल, इल जो है बीमार जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम बोले इल मैन, अगर मैं बोलती हूँ क्या इल मैन, तो सही नहीं है. क्या होगा? द मैन इज इल, द मैन इज इल. यहां पर इल जो है वो कैसे काम में आया? मैन नाउन है, कैसे काम में आया? एट्रीब्यूटिवली. लेकिन इल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है? कि इल को हम काम में नहीं ले सकते एट्रीब्यूटिवली, कैसे काम में लेना है? प्रिडिकेटिवली. क्लियर. वैसे ही अफ्रेड एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हमेशा प्रिडिकेटिवली ही काम में लेना है, एट्रीब्यूटिवली काम में नहीं लेना है. तो यहाँ पर ये अफ्रेड जो आएगा एडजेक्टिव के रूप में, ये कैसे काम में आ रहा है? अ फ्रेंड इज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड टू गिव एन ऑनेस्ट. तो यहाँ अफ्रेड कैसे काम में आया? प्रिडिकेटिवली. सो राइट आंसर इज अफ्रेड. क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है. अफ्रेड की स्टूडेंट्स तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है. फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है अफ्रेड टू डू समथिंग, दूसरा अफ्रेड ऑफ समथिंग या समबडी, और तीसरा अफ्रेड of doing something. तीन तरीके से सेंटेंस में अफ्रेड आ सकता है. पहला अफ्रेड टू डू समथिंग, दूसरा अफ्रेड ऑफ समथिंग या समबडी, तीसरा अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग. यहाँ पर जो अफ्रेड आया है वो फर्स्ट वाला केस है, अफ्रेड टू डू समथिंग. क्लियर. जो मैंने लॉजिक दी है आपको, वो लॉजिक आप समझेंगे कि किस तरह से हमने अफ्रेड को किया. एक नहीं, तीन तीन रीजंस थे हमारे पास. पहला रीजन, यहाँ पर क्या आएगा? एडजेक्टिव, जो चार ऑप्शंस में से सिर्फ अफ्रेड ही एडजेक्टिव है. ठीक है. दूसरा, अफ्रेड को कैसे काम में लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रिडिकेटिवली. तो प्रिडिकेटिवली हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो राइट आंसर इज अफ्रेड. तीसरा, अफ्रेड की स्ट्रक्चर क्या होती है? तीन स्ट्रक्चर है, अफ्रेड टू डू समथिंग, अफ्रेड ऑफ समबडी समथिंग, और अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग. सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आ रही है वो कौन सी है? अफ्रेड टू डू समथिंग. सो राइट आंसर इज अफ्रेड. क्लियर हुआ? Got my point. Next चलते हैं, इसी का next question देखते हैं. Eighth पे आएंगे students. अब eighth में देखेंगे, a friend provides
फ्रेंड प्रोवाइड कराता है कंपेनियनशिप एंड कंटिन्यूस, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब भी कोई वर्ड ओ यू एस सफिक्स पे एंड होता है तो वो वर्ड जो है वो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। जब भी कोई वर्ड किस पे एंड होता है, ओ यू एस सफिक्स पे एंड होता है, तो वो वर्ड हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस एडजेक्टिव है, उसके बाद यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है, तो फिलिंग द ब्लैंक में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? नाउन आना चाहिए, ठीक। अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो? नाउन हो। तो देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं सपोर्टिव। सपोर्टिव एडजेक्टिव है, प्रोवाइड वर्ब है, सप्रेस वर्ब है, सपोर्ट जो है क्या है? नाउन। सो राइट आंसर इज सपोर्ट। क्लियर? सेंटेंस भी देखेंगे, अ फ्रेंड प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप एंड कंटिन्यूस सपोर्ट। क्लियर? फ्रेंड प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड हमें क्या देता है? कंपेनियनशिप देता है, और क्या देता है? कंटिन्यूस सपोर्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ को देखेंगे, देयर इज नो रूम फॉर प्राइड फिलिंग द ब्लैंक और राइवलरी इन। अब यहाँ पर पूरे पैसेज में हमने किसकी बात की है? फ्रेंड की बात की है। और राइवलरी इन, यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आना चाहिए, किस में नहीं होती है ये, तो क्या किस में नहीं होती है? इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन की बात करें तो अभी हमने देखा फ्रेंडली एल वाई होते हुए एडजेक्टिव था, बी फ्रेंड वर्ब है, फ्रेंडशिप नाउन है और कोर्टशिप भी नाउन है। इस पूरे पैराग्राफ में कोर्टशिप की बात हुई है कहीं पर भी? नहीं। इस पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हो रही है? फ्रेंडशिप की बात हो रही है। सो राइट आंसर इज फ्रेंड। नेक्स्ट क्लॉज़ेस देखेंगे स्टूडेंट्स, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड है, सीजीएल 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, एंड ऑल अदर साउंड्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक लेबर आर सस्पेंडेड। तो लेबर की बात की जाए तो लेबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है स्टूडेंट्स नाउन। हमें नाउन के पहले उसके विशेषता बताने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में रिक्वायरमेंट है किसकी? एडजेक्टिव की, ठीक है। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से फाइंड करना है कि किसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले देखते हैं सिटी। सिटी नाउन, जैसे सिटी, विलेज, टाउन, कंट्री, ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं। टाउन भी क्या है? नाउन है। अब आता है अर्बन और रूरल। अर्बन और रूरल दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है, और हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों में से राइट आंसर पे जाना है तो उसके लिए हम पैसेज देखेंगे। पैसेज में देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है ब्लैक स्मिथ प्लो मैन, तो इससे क्या हिंट मिल रहा है हमें? ब्लैक स्मिथ जैसे किसके लिए आता है? लोहार के लिए। प्लो मैन जो हल जोतने वाला है। तो ये जो है, ये दोनों चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है? विलेज के एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विलेज की, ठीक है। तो विलेज की बात हो रही है तो अर्बन नहीं आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स? रूरल। सो राइट आंसर इज रूरल। क्लियर? एडजेक्टिव चाहिए था, एडजेक्टिव कहाँ दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए जो नाउन थे, एडजेक्टिव में बचा अर्बन और रूरल। ब्लैक स्मिथ, प्लो मैन, लैंडस्केप से हिंट मिलता है कि किसकी बात हो रही है? रूरल एटमोसफियर की बात हो रही है, अर्बन की बात तो नहीं हो रही है, इसलिए राइट आंसर इज रूरल। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। एट्थ कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, अभी जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, नाइन्थ जो स्टेप है हमारा, वो है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरेलल कंस्ट्रक्शन? जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट आइडिया को डिस्कस किया जाता है, जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट आइडिया को डिस्कस किया जाता है, तो उन आइडियाज़ का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। अगर हम उन आइडिया का फॉर्मेट सेम नहीं रखते हैं तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है।
ठीक है, इसलिए उसको सही करने के लिए हमें उस आइडियाज़ का फॉर्मेट सेम करना पड़ेगा. क्लियर? इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, शी लाइक्स कुकिंग, जॉगिंग एंड टू रीड. मैंने तीन आइडियाज़ की यहाँ पर बात की, कुकिंग, जॉगिंग एंड रीड. तो यहाँ दो जो है, दो का फॉर्मेट क्या है? जेरंड. और एक का फॉर्मेट क्या है? इन्फिनिटिव. तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया. इसको सही करने के लिए हमने क्या किया? शी लाइक्स कुकिंग, जॉगिंग एंड रीडिंग. तीनों किस में आ गए? जेरंड फॉर्म में. दूसरा देखो, एक और तरीका भी था, शी लाइक्स टू कुक, जोग एंड रीड. दोनों में हमने देखा कि फॉर्मेट क्या है? सेम है. ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, इसलिए सेंटेंस सही हो गया है. ठीक है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्लोज टेस्ट या फिलिंग द ब्लैंक्स में ही नहीं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, हर जगह ग्रामर में अप्लाई होगा. उसके लिए आप मेरी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की फर्स्ट वीडियो देखेंगे. उस वीडियो में मैंने अभी जो 2017 मेंस में 17 फरवरी को जो पेपर आया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट पैरेलल कंस्ट्रक्शन से सॉल्व हो रहे हैं. उसको मैंने डिटेल से वहाँ समझाया है. उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, उससे आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन समझ में आएगी. ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे देखो, दे फोट इन द स्ट्रीट्स, द फील्ड्स एंड इन द वुड्स. इनको हमने लिया इन द स्ट्रीट्स, फिर इनको यहाँ पर हमने नहीं लिया, फिर वापस लिया इन द वुड्स. तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है. या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन ले लेंगे तो सही लगे, सही बन जाएगा, इन द स्ट्रीट्स, इन द फील्ड्स एंड इन द वुड्स, राइट? या हम क्या करेंगे, इनको जैसे यहाँ देखेंगे, ये फोर्ट इन द स्ट्रीट्स, द फील्ड्स एंड द वुड्स. इनको हमने आगे कॉमन ले लिया और ये तीनों को क्वालिफाई कर रहा है. तो दोनों फॉर्म सही हैं. दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं? पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब पैरेलल कंस्ट्रक्शन की क्लोज टेस्ट में क्या एप्लीकेशन है वो हम यहाँ देखेंगे. स्टार्ट करेंगे. ये आपका पैसेज आया हुआ है 2013 में, आया हुआ है सीजीएल में. देखो, स्पेशल इक्विपमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं. स्पेशल इक्विपमेंट एंड अ फिलिंग द ब्लैंक ट्रेनिंग. स्पेशल इक्विपमेंट एंड फिलिंग द ब्लैंक ट्रेनिंग. यहाँ हमसे पूछा गया है कि ट्रेनिंग के पहले क्या आएगा, स्पेशल, ऑर्डिनरी, नेचुरल और कॉमन. ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि इक्विपमेंट जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम इसके आगे एस नहीं लगाते हैं. इक्विपमेंट जो है वो हमेशा इक्विपमेंट रहता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने उनसे पूछा गया है कि मून पे जाने की बात हो रही है, इक्विपमेंट स्पेशल है और ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर आप मून पे जा रहे हैं, आपके पास इक्विपमेंट स्पेशल है, तो ट्रेनिंग भी क्या होनी चाहिए? स्पेशल होनी चाहिए. सो राइट आंसर इज स्पेशल. ऑर्डिनरी ट्रेनिंग नहीं होगा, नेचुरल ट्रेनिंग नहीं होगा, कॉमन ट्रेनिंग नहीं होगा, ट्रेनिंग भी क्या होगी? स्पेशल होगी. इसका एक और हिंट अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें हिंट मिल रहा है स्पेशल. यहाँ पर भी स्पेशल आया, यहाँ पर भी स्पेशल आया. सो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल कंस्ट्रक्शन राइट आंसर इज स्पेशल. क्लियर है स्टूडेंट्स? गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं. ये आपका मेंस 2010 का क्लोज टेस्ट है. इसमें हम वर्ब के फॉर्म को अप्लाई करेंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन में. चलिए देखते हैं कैसे. यहाँ 8th क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ मैं. ऑस्ट्रिच इज फिलिंग द ब्लैंक इन अफ्रीका एंड आर फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस. एंड के पहले इन अफ्रीका के पहले फिलिंग द ब्लैंक है, वर्ब की रिक्वायरमेंट है. एंड के बाद वर्ब दी हुई है और वर्ब का जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस. आर फाउंड प्रेजेंट टेंस ही है स्टूडेंट. ये प्रेजेंट टेंस की पैसिव फॉर्म है. इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड, ये होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव स्ट्रक्चर. क्लियर? अब यहाँ पर ये दोनों बातें हुई और एंड से पहले हमसे पूछा गया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी. यहाँ पर अगर पैरेलल कंस्ट्रक्शन को देखें तो बाद में यहाँ कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट है. तो पहले भी यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स? प्रेजेंट फॉर्म आएगी. सो राइट आंसर इज लिव.
ostriches live in Africa and are found on the grassy places according to the parallel construction. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, दे लिव क्या आया है, दे लिव. ठीक है, यहां पर मैंने बताया आपको क्या आएगा, लिव. ऑस्ट्रिचेस लिव इन अफ्रीका, फिर आया दे लिव. ठीक है, हिंट मिल रही है हमें कि पहले ऑस्ट्रिचेस नाउन को इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए वर्ब ली लिव, फिर प्रोनाउन आया दे, फिर क्या आया है लिव. तो ये जो है स्टूडेंट्स ये पूरा पैरेलल कंस्ट्रक्शन है. अगर आप इस पैसेज को पूरा देखते हैं तो इस पैसेज में भी आप हर जगह देखेंगे कि ये पूरा जो पैसेज है ये किस में बना हुआ है स्टूडेंट, देखो आर. ठीक है, लिव, ये आर फाउंड, ये हिंट हमें इज स्मॉलर, ये क्या हिंट दे रही है कि ये पूरा पैसेज किस में है, प्रेजेंट में है. सो राइट आंसर इज लिव. क्लियर, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन आपको एक विजन डेवलप करना होगा और वो विजन जो है वो एक दिन में नहीं होगा. आप, मैं जो आपको समझा रही हूँ, जो चीज़ें आपको सिखा रही हूँ, आप देखते रहेंगे और मेरे साथ में एक रेजोनेंस में आने की कोशिश करेंगे, फिर आप देखेंगे कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करेंगे. यहाँ देखेंगे नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक डांस एंड ऑफ ड्रामास ऑन द ब्रॉडकास्ट. ऑप्शन है म्यूजिक, मैजिक, एग्रीकल्चर और हेल्थ. अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन चीज़ों की बात हो रही है, डांस, ड्रामा और एक जो है कॉमा से पहले हमसे पूछा गया है. या थोड़ा सा मैं इस मेरी वर्डिंग्स को चेंज करके बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पैरेलल आर्ग्यूमेंट की. हमने पहले बात की किसकी, पैरेलल कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पर बात कर रही हूँ पैरेलल आर्ग्यूमेंट की. पैरेलल आर्ग्यूमेंट जैसे हमने बात की डांस और ड्रामा, तो उसी के पैरेलल आर्ग्यूमेंट जो तीसरा है वो भी इसी के पैरेलल होना चाहिए. सो राइट आंसर इज म्यूजिक, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. ठीक है, आगे भी देखो यहाँ पर टेलीविज़न, रेडियो की बात हो रही है, तो मैजिक, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये तीनों क्या लग रहे हैं, इररेलेवेंट है, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है पैसेज से. राइट आंसर इज म्यूजिक. स्टूडेंट्स पैरेलल कंस्ट्रक्शन और पैरेलल आर्ग्यूमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाना चाहती हूँ. आप मेंस के पेपर देखेंगे वहाँ पर भी क्वेश्चंस मिलेंगे. आप जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखें और वहाँ से समझें कि किस तरह से इसकी एप्लीकेशन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में. ओके गाइज, थैंक यू.